बिग बॉस 14 में तूफानी सीनियर के तौर पर आई एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि दर्शकों को उनका खेल बहुत पसंद आ रहा है। जहां सभी का मानना है कि गौहर खान सुंदरता और बुद्धि की बेहतरीन मिसाल है, वहीं बिग बॉस में आने से पहले गौहर और उनके र्यूमर बॉयफ्रेंड जैद दरबार के वीडियो चैट भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। और बिग बॉस 14 ने जहां अपने 2 हफ्ते बिता लिए हैं, तो अब दर्शक और सेलेब्स भी खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में जैद दरबार से भी एक इंटरव्यू में बिग बॉस 14 के प्रतिभागियों को लेकर कई सवाल किए गए। सबसे पहले जैद दरबार ने बताया कि उनकी पसंदीदा प्रतिभागी निकी तंबोली है, क्योंकि वो रियल है, वो जैसी है वैसे ही इस शो में भी है, और बिग बॉस में जो रियल रहता है वही आगे तक जाता है, और रियल पर्सन ही बिग बॉस में हमेशा चमकता है, और इस कारण भी निकी ने पहले दिन से ही सबका दिल जीत लिया है। जैद ने बताया कि निकी के अलावा पवित्रा पुनिया सबसे अच्छा गेम खेल रही हैं। इसके अलावा गौहर खान के बारे में जैद ने बताया कि बिग बॉस के 14वें सीजन में गौहर को देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो अपने सीनियर की ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रही हैं। और जब भी बिग बॉस 14 के एपिसोड में जैद गौहर को देखते हैं, तो उनके मुंह से माशा अल्लाह और वाह क्या बात है ही निकलता है। जैद ने बताया कि गौहर को गॉड ने ब्यूटी विद ब्रेन की क्वालिटी से नवाजा है, जो हर किसी को नसीब में नहीं होती है, और गौहर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ निभा रही है। वेल, तूफानी सीनियर्स में गौहर खान के साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान भी अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभा रहे हैं।